हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। अगर आपने भी यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाया हुआ है और आपका चैनल जो है मोनेटाइज है, या फिर जो है आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपको पता ही होगा जब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना होता है। और जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको गूगल एडसेंस को अपनी एक आईडी जो है देनी होती है, जिसको वेरीफाई करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है गूगल एडसेंस के अंदर अपनी आईडी को किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, साथ ही आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप जो है किस तरीके से अपनी आईडी को जो है वेरीफाई करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके लिए चलते हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो इस तरीके का कुछ मेल आपके पास आता है, यू नीड टू वेरीफाई यूअर आइडेंटिटी। तो आपको कोई भी एक आईडी जो है अपनी वेरीफाई करानी होती है गूगल एडसेंस के अंदर। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में अपने उसी मेल आईडी से जो है लॉगिन हो जाना है, जिस एडसेंस की भी जो है आप आईडी वेरीफाई कराना चाहते हैं। तो मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जब आपका जो इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्लीज जो है रिलीज पेमेंट। तो आपके सामने इस तरीके का जो है एक नोटिफिकेशन शो हो जाता है जब आपको आईडी वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है। तो आपको करना क्या है, आपको एक्शन वाले इस यहाँ पर एक्शन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरीके का कुछ एक यहाँ पर पेज शो हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है कुछ इस तरीके का। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब आपने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था उस टाइम जिस नेम से भी आपने अपना एडसेंस अकाउंट बनाया है उसी नेम से ही आपको आईडी यहाँ पर अपलोड करनी है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वो नेम है जो जिस नेम से हमने अपना एडसेंस अकाउंट बनाया हुआ है, तो इसी सेम नेम से ही हमें जो है अपनी आईडी देनी होगी। यहाँ पर कोई भी एक भी वर्ड का अंतर आपकी आईडी में और यहाँ पर नेम में नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आपको ये मैच ज़रूर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक मैसेज यहां पर पॉपअप शो हो जाएगा, वेरीफाई योर आइडेंटिटी। यहां पर आपको पूरी डिटेल दी गई है। यहां पर जो भी आपका फ़ोटो है वो ज़्यादा जो है लाइट उस पर नहीं होना चाहिए, उसको भी एकदम साफ साफ जो है दिखाई देना चाहिए, ना ही ज़्यादा अंधेरा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स वॉलिड है उनमें इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वोटर आई डी है, ड्राइविंग लाइसेंस है। इन चार आई डी से ही सिर्फ जो है आप अपनी वेरीफाई जो है करा सकते हैं। आधार कार्ड यहाँ पर जो है एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, आपका जो फ़ोटो है उसके जो चारों साइड से कोने वो भी नहीं कटे होने चाहिए। आपका जो जिस आईडी को भी आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं वो पूरी तरीके से उसका पूरा फ़ोटो और साफ उसको अंदर जो है नज़र आना चाहिए, नहीं तो आपका कैंसिल होने का डर रहता है। ठीक, अगर आपका कैंसिल हो भी जाता है आप 3 से 4 बार यहाँ पर री जो है अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड का, तो आपको अपलोड वाले ऑप्शन बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर जहाँ पर भी आपने अपनी जो आईडी है उसको रखा हुआ है वहाँ से आपको अपनी आईडी लेनी है। तो मैंने उसका ऑलरेडी फ़ोटो लिया हुआ है। ठीक है, मैं उसको यहाँ पर जो है ले लेता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है मेरी आईडी, तो इसको मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, जो कि मैं पैन कार्ड मैंने यूज़ किया है। तो मैं उसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो है हमारी आईडी यहाँ पर अपलोड हो रही है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस होगा, यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपलोड हो चुकी है, उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर वेरीफिकेशन इन प्रोग्रेस, अभी यह प्रोग्रेस है, आपको गोटिट कर देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है आप अपने गूगल एडसेंस के अंदर अपनी जो आईडी है उसको वेरीफाई करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है आप अपनी आईडी को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आ देख सकते हैं योर आइडेंटिटी वेरीफिकेशन इज़ इन प्रोग्रेस, प्लीज़ अलाउ ए 5 डेज फॉर वेरीफिकेशन, यानी 5 दिनों के अंदर अंदर जो है ये वेरीफाई हो जाएगा, इतने ये प्रोग्रेस में रहेगा। अगर आपकी आईडी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है तो वो जो है यहाँ पर अलाउ ये सक्सेसफुली हो जाएगी, अगर उसके अंदर कोई भी दिक्कत लगती है। ठीक, या फिर अगर आपको कोई नेम मैच नहीं कर रहा है या फिर जो है उसकी कोई फ़ोटो में दिक्कत है, तो यहाँ पर फिर से आपको जो है एक्शन का बटन मिल जाएगा, फिर से आपको इसी तरीके से अप्लाई करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ जब आपकी आईडी सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाती है तो आपको किस तरीके का मेल आता है। तो हम यहाँ पर जाते हैं अपने मेल में।
तो यहाँ पर जो भी आपको मेल आए हुए यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें मेल आ चुका है गूगल पेमेंट्स वाला, तो हम इसी के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल। तो इस तरीके का मेल आपको आ जाएगा जब आपकी जो भी आईडी आपने अपलोड की है वह वेरीफाई उसका सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाए, कुछ इस तरीके का आपको मेल आता है। यहाँ पर भी आप नहीं देख सकते यूअर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड, प्लीज साइन इन टू यूअर गूगल एडसेंस अकाउंट एंड सेट अप प्राइमरी पेमेंट मेथड इफ़ यू हैव आई डोंट शो ऑलरेडी। ठीक है, तो आपका जो वेरीफाई है, जो भी आपने आईडी है वेरीफाई हो चुकी है, अब आप जो है अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका जो भी बैंक आप ऐड करना चाहते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने एडसेंस के अंदर अपनी जो बैंक है उसको कैसे लिंक करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है आप अपने एडसेंस के अंदर जो है जो भी आपकी आईडी है उसको वेरीफाई करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।